वेलकम गाइस फॉर द अनदर न्यू वीडियो। ये देख सकते हो ये फोर्ड का फिगो है, ठीक है। देख सकते हो गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन में, ठीक है, एकदम ओके गाड़ी है। गाड़ी काल परसों डीलर से बना के निकाला था, ठीक है। निकाल के उसके बाद में हेडलाइट वगैरह लगाया, ये देख सकते हो। उसके बाद में दूसरा दिन को ऐसा हो गया, ठीक है। और इस तरह भी देख सकते हो कुछ ये हाल है, ठीक है। तो गाड़ी को अभी हम लोग को चलाने लायक करना है इसको, क्योंकि बॉडी मिस्त्री सब बोल रहा है कि बहुत पैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। देख तो बॉडी मिस्त्री एक भी सही ढंग से बात नहीं कर रहा, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा हम लोग का, ठीक है। और ये देख तो ये लुकिंग ग्लास का कंडीशन कुछ इस तरह से है, दरवाज़ा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। लुकिंग ग्लास उधर है, ये देखो पड़ा हुआ है। ये आगे का व्हील गार्ड इधर है, वो व्हील गार्ड है, ठीक है। गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हो, इसका इंजन कंप्लीट नया डाला था, ठीक है। हेडलाइट भी नया डाला था और दूसरा दिन को एक्सीडेंट हो गया, देख सकते हो। हेडलाइट ब्रांड न्यू हेडलाइट है, ठीक है। एक दिन सिर्फ चला ये हेडलाइट, ये हेडलाइट सिर्फ एक दिन चला, दोनों हेडलाइट नया डाला था। पीछे का टेल लाइट भी नया डाला था, ये वाला टेल लाइट, ये वाला ब्रांड न्यू है। अब पूरा गाड़ी को रीपेंट किया था, ब्रांड न्यू इंजन लगाया था, और अभी हम लोग इस गाड़ी को चलने लायक करेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल फॉल्ट देखे तो इसमें क्या क्या आया, यहाँ से आराम उखाड़ गए, आराम पूरा उखाड़ गए, ये पाइप टूट गए, सोकर बेंड हो गया नीचे का हिस्सा, ये लिंक का घुटी यहाँ में है, लिंक उधर निकाल गया, टी वोल्जन निकाल गया स्टीयरिंग का। और ये देख सकते हो ये सारा सामान है, ठीक है। ये देख सकते हो ढाई साहब निकाल गए, जो अच्छा बात है, यहाँ से निकाल गए, कुछ नहीं हुआ। ये टी वोल्जन उखाड़ गया, ठीक है, यहाँ से गुटी टू उसका निकाल गया, टी वोल्जन का आराम, ये आराम बोल रहा है, सोकर यहाँ से निकाल गया बैंड हो गया आराम का। ये देख सकते हो बुशिंग फाट के निकाल गया, ठीक है। और ये बॉडी से ये देख सकते हो इस साइड का टूट के निकाल गया, ठीक है। ये देखो पूरा टूट के निकाल गया ये बोल्टों का साथ में, और इस साइड का टुकड़ा तो गिर गया आई थिंक सो। तो अभी हम लोग इसको पहले तो जेग उठाता है, जेग उठा के देखता है इसका क्या क्या कर सकता है, ठीक है। आप लोग बने रहे हमारे साथ। सो गाइस ये देख सकते हो जेग उठा दिया, ठीक है, मिट्टी में लगा हुआ था, जेसीबी से उठा के ला के रखा था, तो नीचे में रख दिया था, हम नहीं था दुकान में। जेग उठा दिया, देख सकते हो ये सस्पेंशन को पहले तो हम लोग को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो सारा चीज़ सस्पेंशन में फिटिंग है, तो उसके बाद में आराम तो लगाने की कोशिश करेगा, नहीं होगा तो ये रैम टू चेंज कर देगा और टी बोल देने एक टू लग देगा, लगा देगा। स्टेबलाइजर लिंक बेंड हो गया, रोड भी आई थिंक सब बेंड हो गया, ये भी दूसरा लगा देगा, ठीक है, सपोर्ट दूसरा लग जाएगा, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो बैटरी को दोबारा से लगा दिया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ में कितना नुकसान हुआ, पूरा ए टू चटनी हो गया हमने ये जगह तो, ठीक है। तो इधर में देख सकते हो ये शीशा आगे का वंशील, आगे का वंशील पूरा ये देख सकते हो। और रहा बात अभी इस गाड़ी को चेक करने, तो अभी हम लोग इसका गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं चेक कर रहे, बाकी कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। ये तो टूट गया और कैरियर तो आगे का कैरियर टूट गया, ठीक है, इस साइड में इंजन देख सकते हो पूरा है, स्टीयरिंग व्हील भी है, नहीं गिरा, पानी कम है तो पानी डाल देगा, डाल के स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट होता है कि नहीं। तो गाइस ये फोर्ड फिगो पेट्रोल है, फिर से मैं बता दूँ आप लोग को जानकारी के लिए, ठीक है। और ये एयर फिल्टर हम लोग खोल दिए, देख सकते हो इस तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। एक कूलर और पानी मिला के डाल रहे हैं, अभी बढ़ती होने वाला है, थोड़ा सा चाहिए। सो गाइस पानी डाल दिया,
अब इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दरवाजा का लॉक भी खोल दिया, ठीक है, दरवाजा जाम था, दरवाजा खोल दिया। और देख सकते हो बैटरी लगाने के साथ साथ मीटर में करंट आ गया। चलो चेक करते हैं, चाबी ऑन हो गया, कोई सिग्नल लाइट वगैरह नहीं है, क्या बात है, वो तो कुछ हुआ है क्या? तो गाइस एक तो सेल्फ मारा, स्टार्ट नहीं हुआ, पूरा रेस देखे देता है, अब स्टार्ट होगा होगा जैसा हुआ था। नहीं हो रहा है, कोई तेल लीक कर रहा है क्या? देखो तो नीचे में, नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है गाड़ी, ठीक है। हाँ लीक नहीं हो रहा था ना, वो पानी तो लीक हो रहा है कहाँ से? पानी गिर रहा है ना यहाँ से। अच्छा अभी देखता है इसमें तेल पानी आ रहा है क्या, पहले देखता है इसमें पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा, इसको ऐसा ऊपर खींच लेना थोड़ा सा, और उसके बाद में चाबी ऑन करो, तो ऑफ करके ऑन करो, एक काम करो तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम इसका रिटर्न पाइप खोलता है। तो पाइप खोल दिया, ठीक है, ए ऑन करो, तो ऑफ करके ऑन किया, सेल्फ मारो, क्लच दबा के सेल्फ मारो। तो गाइस यहाँ में तेल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तेल आने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक सो, चेक करना पड़ेगा अभी। तो गाइस पहले तो अभी हम लोग इसका फ्यूज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस गाड़ी तो हम लोग आज एक सप्ताह के बाद में फिर से आया, ठीक है, एक सप्ताह हो गया, इस गाड़ी को देखा वाला यहाँ में रखा हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो हम लोग को एक तो प्रॉब्लम मिला तो था, अब इसका हम लोग कन्फर्म करेगा कहाँ में प्रॉब्लम है, इसका तेल तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अभी सबसे पहले हम लोग इसका स्कैनर कनेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस अगर हम लोग इसमें रीड फॉल्ट कोड कर रहे हैं तो देख सकते हो सिर्फ एक ही फॉल्ट कोड आ रहा है, और वो है इसका फ्यूल पंप सेकेंडरी लो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका फ्यूल पंप में करंट सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये देख सकते हो फ्यूल पंप सेकेंडरी सर्किट लो, ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या हुआ है जो फ्यूल पंप में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको करता है थोड़ा देर के लिए बंद। सो गाइस ये हम लोग का फ्यूल पंप का वायर है, ठीक है, तो इसमें अभी दिखता है आखिर क्या हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें बात करो तो ये मोटा मोटा वायर दोनों फ्यूल पंप का है, ठीक है। सो गाइस दोनों तार को छील दिया, और इसमें ये देख सकते हो बेजी घुसाने के लिए होल बना रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो
ये बेली घुसा दिया एक्टिव में, और अभी हम लोग को एग्जैक्टली बेलू पता चल जाएगा आखिर हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव को बॉडी से जोड़ दिया, ठीक है, और अभी इधर अच्छा से दिखाओ कैमरा टू, ये देख सकते हो ये नेगेटिव मैंने बॉडी से जोड़ दिया है यहाँ में, ठीक है, यहाँ में जोड़ दिया है। और अभी अगर हम लोग इसको इसमें कनेक्ट करता है तो एक में कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, आई थिंक नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा किसी में भी, और चाबी ऑन है, ठीक है, ये 20 DC में लगा दिया, ठीक है। और अभी देखते हैं ये 00 है, यही नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, और ये भी 00 है, ये भी नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करेगा, इसको फिर से कंटिन्यूटी करेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा, ठीक है, निकाल के अगर दोनों प्रोब को हम लोग इसमें लगाता है तो देख सकते हो दोनों वायर में कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेगा, इसका चाबी ऑफ करेगा, ठीक है, और ECM का केपलर को खोल के चेक करेगा, चला दे। सो गाइस ये देखते हैं ECM हम लोग तो निकाल दे, ठीक है, लेकिन केपलर का ये देखो, ये हमें बीच में एक तो बोल्ट है, देखा थोड़ा नज़दीक से देखा बोल्टू को अच्छा से, ये देखो ये बोल्टू अच्छा से देखो ना, बोल्टू को अच्छा से थोड़ा किनार में जाके देखो तो, ये देखो ये बोल्टू टूटा हुआ है, पहले से टूटा हुआ है, ठीक है, और ये बोल्टू को खोलना पड़ेगा तो भी ये निकलेगा केपलर। अब इसमें किसी ने तोड़ के रखा पहले से, हम लोग को पता नहीं हुआ, अब ये निकाले नहीं रहा, इसको निकालने से पता चलेगा कि फिर से कंटिन्यूटी चेक करके आपका ECM में प्रॉब्लम है या फिर वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गाड़ी में इतना सारा प्रॉब्लम है, तो पार्टी बोल रहा है कि गाड़ी को नहीं बनाएगा जो क्लाइंट है, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, ये जो इंजन है ना एक कंटिन्यू पूरा कंप्लीट नया डाला हुआ है, ठीक है, 2.5 लाख से 3 लाख रुपये खर्चा किया, बॉडी रिपेंटिंग किया, सारा हेडलाइट वगैरह सब कुछ नया लगाया, और एक दिन भी गाड़ी नहीं चला, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अभी बॉडी में बोल रहा है कि बॉडी मिस्त्री बॉडी में बोल रहा है कि 2 लाख के आसपास का खर्चा है, और 50,000 में फोर्ड फिगो रनिंग गाड़ी मिल जाता है, तो आप लोग सोच लो। ओके थैंक यू यार, इसमें कुछ जुगाड़ लगा के काट कूट के निकालने की कोशिश करेंगे, मिलते हैं अगले एक नया वीडियो में नया कंटेंट के साथ, ठीक है। आज